आपके पास मिरर है एंड मिरर का मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताऊं, आपको मिलेगी एलईडी लाइट। अगर आप अंधेरे में भी वर्क अपना मेकअप कर रहे हो तो यू गेट अ लाइक यू नो फीलिंग वाली वाइब। मंचूरियन बना रहे हैं ये लोग। हाय गाइस, हेलो, बेली है, थोड़ा सा मंचूरियन है और पंजाबी छोले भटूरे है और थोड़ा सा ये इंडियन सामान लेके आया। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। क्या हाल चाल है? ये नहीं पार्टी, किस बात की पार्टी? पार्टी किस बात की हो रही है? ये तो बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। और हमने बना ली है गर्मा गर्म चाय। चीयर्स, देखो पहले एक बार चीयर्स के लिए। और साथ में सौरभ ने लगा दिया, तेरी बातों ने उलझा दिया। तो थोड़ी इसकी वॉल्यूम कम करो, हम थोड़ी बातचीत करेंगे। वी आर फाइनली एट आवर होम। किप्स से आ चुके हैं, तीन चार दिन तक ना बहुत ऑफिस का काम था, वही करने में लगे हुए, बैकलॉग हो गया था हमारा 12 दिन का। चैन की सांस ली है और अभी भी हमें वापस जाना है प्रमोशन करने के लिए। प्रमोशन कह सकते हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है उनके रेस्टोरेंट में कि इंडियन खाने के लिए टेस्ट करिए आके। तो हमने सोचा चलो आज, वैसे हमारा बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि हम कितने दिनों से बाहर ही खा रहे हैं खाना, तो हमने सोचा था ब्रेक लेंगे। इनके साथ हमारी बात पिछले महीने से, तो हाँ फिर हम ट्रिप पे चले गए थे तो फिर मना नहीं कर पाए। Want to get it done also, हाँ। तो हमने commitment की हुई है। Right. और commitment के मामले में तो फिर हम अपनी भी नहीं सुनते है ना। तो अभी हमने बनाया है आज पोहा एंड पोहा एंड चाय और हम लोग थोड़ा वापस से डाइट पे आने वाले हम एंड आज के दिन की शुरुआत करेंगे। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, आपको धूप वाला मौसम है, अभी बस रेडी होते हैं, पहले खाना खा लेते हैं फिर आपको बाहर का भी मौसम दिखा देते हैं एक बार। एंड न्यू एडिशन, हमने ये जो अंदर पड़ा हुआ था इसको बाहर कर दिया है कॉफी स्टेशन के बिल्कुल बाजू में। कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। नाइस, अच्छा बना है, नींबू डाल, क्योंकि तुम इतने दिनों से बाहर खा रहे हो ना तो तुम्हें आज घर का खाना अच्छा लग रहा है। दाल पोहा भी मेन रीजन ये है, तुम अभी तक समझे नहीं हो भावनाओं को। तो बाहर जाने से पहले, लंच के लिए जाने से पहले, आई वांट टू शो यू समथिंग। तो मैंने गाइस, जैसे कि लड़कियों को मेकअप का बहुत शौक है तो मैंने मंगवाया है OWBIA, इसका एक मिरर मैजिक कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर। गर्ल्स इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, इवन बॉयज भी, अगर आपको गिफ्ट करना है जैसे कोई बर्थडे पार्टीज हो या एनिवर्सरीज हो या फिर ऐसे ही। दिस इज द मैजिक मिरर बैग, इसके अंदर आप काफी सारी चीजें स्टोर कर सकते हो सेफली एंड फॉर द ट्रैवल पर्पस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये ऐसा है, देखिए ब्लैक कलर का, एंड देन लेट मी शो यू। सो दिस इज द मिरर, आपको अलग से मिरर की जरूरत नहीं है, तुम अपनी शक्लें मत देखो। एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजर, इसके अंदर आप एक और चीज कर सकते हो, यू गेट द चार्जिंग केबल एज वेल। आपके पास मिरर है एंड मिरर का मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताऊं, आपको मिलेगी एलईडी लाइट। अगर आप अंधेरे में भी वर्क अपना मेकअप कर रहे हो तो यू गेट अ लाइक यू नो फीलिंग वाली वाइब्स। इसके बाद आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो ये है अंदर से मेकअप ऑर्गेनाइजर पूरा, आप अपना अलग अलग सामान डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और अगर आपको कैपेसिटी के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करनी है कि आपका सामान बड़ा है तो आप इसको एडजस्टमेंट में भी कर सकते हो, लाइक ये खुल जाता है। एंड यू गेट द चार्जिंग केबल एज वेल इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स। इस चार्जिंग केबल से आप अपनी जो एलईडी लाइट है उसको चार्ज कर सकते हो। मैं तो इसको अपनी कजन की वेडिंग में भी गिफ्ट करने वाली हूँ, बिकॉज दैट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट किसी की भी वेडिंग के लिए और किसी की बर्थडे और एनिवर्सरी के लिए। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए गर्ल्स को या फिर बॉयज को, किसी गर्ल के लिए, मदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, वाइफ्स के लिए, तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, गो चेक आउट द लिंक गाइज। एंड दिस इज प्रोडक्ट वर्थी प्रोडक्ट, मतलब मैं इसके लिए बेट ले सकती हूँ कि आप इसके लिए कभी वो नहीं करोगे कि भाई ये एक प्रोडक्ट कैसा मैंने आपको। अभी मैं आज अपने नए आईफोन से शूट कर रही हूँ क्योंकि फाइनली मैंने उसको खोल दिया है एंड वी आर गोइंग फॉर अ लंच टाइम। बेसिकली सब लंच करने जा रहे हैं कुछ, जैसे कि हमने बताया था आजकल हमारे यहाँ बिना रिसेप्शन में कोई बंदा ही नहीं दिखता। सब छुट्टी पे मुझे हमेशा लिखा होता है विल बैक इन अनदर 10 मिनट्स। पहले तो दिखते थे, आजकल दिखने बंद हो गए हैं। चाबी है ना तुम्हारे पास? ठीक है, चलो भाई। वाओ, व्हाट अ सनी डे, अमेजिंग। तो ऐसा है कि अभी हम लोग ना लंच करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा इंडियन स्ट्रीट फूड खाने के लिए वैम्बले के अंदर ईलिंग रोड में, वहाँ पे मंदिर। बोलते हैं कि रिचती बुक करोगी आजकल के हफ्ते में एक बार तो खाना ही खाना है। नहीं ऐसा नहीं है, दो बार भी खाएंगे चलेगा, मतलब चलते हैं खाते हैं।
देखते हैं वहाँ पे क्या नया है, नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। तो देखो इसको टेंशन मारने की पड़ी है, ना जैकेट ना कुछ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ए करने से इसको करने से स्टाइल नहीं होता, पहले पतले हो जाओ, वेट कम करो। वैसे इसमें तुम मोटे नहीं लग रहे। आ गए हैं आज मनेक चौक में, ये है इनका छोटा सा आउटलेट। और सॉरी तुम तो ऐसे स्मार्ट बन के आए हो, पहली बार स्मार्ट लग रहे हो पूरे महीने में। ये बेइज्जती थी कि तारीफ, दोनों ही समझ लो। पहली बार स्मार्ट लग रहे हो, एक्चुअली आज तुम्हारी एक्चुअल शक्ल दिख रही है। ओके सो दे आर गेटिंग रेडी। क्या खाना पसंद करोगे? खाना खाना ही मिलता। तो यहाँ पे रेडी हो रहा है हमारा, व्हाट आर यू रेडी नाउ? मंचूरियन बना रहे हैं ये लोग। हाय गाइस, हेलो, यू आर इन अ यूट्यूब नाउ, वी आर मेकिंग यूट्यूब व्लॉग। हेलो, पूरा स्पाइसी इंडियन तड़का लग रहा है यहाँ पे गाइस, एंड ओहो चिल्ली। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ आइटम्स मंगवाई हैं। ओहो हो, पंजाबी छोले भटूरे, एंड सम ये क्या मंगवाया? नूडल्स है, चाट है, दबेली है, थोड़ा सा मंचूरियन है और पंजाबी छोले भटूरे है और थोड़ा सा ये इंडियन सामान लेके आया है। हाँ बनने गर्मा गर्म पकौड़े। सौरभ क्या हुआ? मैं खा रहा था। अच्छा खा रहे थे तुम, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा लंच कर लिया है एंड पास में ही मंदिर है श्री सनातन हिंदू टेम्पल, वहाँ पे आए हैं क्योंकि भगवान जी का दर्शन कर लें भाई थोड़े। आज काफी भीड़ है क्योंकि वो त्योहार नवरात्रों का भी टाइम होने वाला ना। ये देखो गरबा 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 क्यों हो रहा भाई? अभी चैत्र नवरात्र का गरबा नहीं होता? चैत्र नवरात्र का गरबा नहीं होता? गरबा किसी और टाइम का होता है। टाइम टू गो बैक टू होम। यार रास्ते में मुझे एक बार कैफी नहीं लोगी, कॉफी लेने दो कहीं तो रोक लो, मेरा मन कर रहा है। आज इस हफ्ते पी नहीं मैंने, पिछले दो हफ्ते से कॉफी नहीं पी है ना। वो तो है यार, बट इस पी लेते हैं ना रास्ते में अगर मिलती है। वैसे मैंने चाय पी है बट मुझे कॉफी पीने का मन हो रहा है अभी। नहीं नहीं मिल जाएगी, ये रास्ते में है। It will be only one minute detour. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं होलिका दहन के लिए, पूजा करने के लिए। वहाँ पे हमने अभी जब हम इंडियन मार्केट में गए थे तो हमने थोड़ा नारियल, थोड़े पॉपकॉर्न्स और पानी वगैरह ले लिया है, वहाँ पूजा करेंगे। ये सब चीजें हम इवन पंजाब में भी नहीं करते, यहाँ लंदन आके कर लेते हैं क्योंकि ये होलिका दहन की पूजा वहाँ नहीं होती, तो यहाँ आके हमें वो भी करने का मौका मिलता है। तो अभी हम एक्साइटेड है, वहाँ जाएंगे, कुछ फ्रेंड्स लोगों को भी मिलेंगे, तो काफी अच्छा माहौल होने वाला है वहाँ। काफी लोग आए हुए हैं आज, तो हर जगह भीड़ है और लकीली हमें कार पार्किंग मिल गई। ये देखो गाइस कितनी भीड़ है, आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पंजाब में हूँ, गांव में। लेकिन काफी भीड़ है यार, लाइक दैट्स अ गुड थिंग। देखिए यहाँ पे ना खड़े रखने पैर रखने को जगह नहीं है। मैं ढूंढ रही हूँ मेरे फ्रेंड्स लोग कहाँ है। हाँ जी क्या माहौल है? मुझे तो बंदे नहीं दिख रहा आगे कहाँ जाना है। ये नहीं पार्टी, किस बात की पार्टी? ये नहीं पार्टी, किस बात की हो रही है पहले ये तो बताओ। बोलो रात का डिनर खाने चले क्या? पहले बताओ पार्टी किस बात की है? नई गाड़ी ली है। कब ली? बताया नहीं। जाओ आप तो अभी यहाँ पे होलिका दहन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे बोन फायर हो गई है, पूजा हो रही है सारी। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ये लोग पूजा के लिए वहाँ पे सामान ले रहे हैं क्योंकि आगे तक जाने नहीं दे रहे। ओके चलो, थैंक यू। सो मैं बड़ी मुश्किल से अंदर आ गई हूँ। हम होलिका दहन के लिए पूरा हैरो ही यहाँ पर है, बहुत ज्यादा रश है कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है, तो माथा टेकने आए हुए हैं। ओ हैप्पी, क्या क्या